इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करनी है, क्या है x square माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x square माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये है। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? ये जो कांस्टेंट वाला होता है ना भाई, देखिए एक तो हो गया x square वाला टर्म, एक हो गया x वाला टर्म, उसके अलावा जो टर्म बचता है वो कांस्टेंट वाला टर्म होता है। तो कांस्टेंट वाले टर्म के अगर फैक्टर्स हो रहे हैं इजीली तो कर लो। कैसे करोगे? ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4ax, इसको तो छेड़ो मत ऐसे ही रहने, और इसको इस तरह से लिखो 4a का स्क्वायर है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये कैसे बिहेव कर रहा है? जैसे कि a स्क्वायर हो, और ये कैसे बिहेव कर रहा है? जैसे कि b स्क्वायर हो। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा? a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस b इंटू 2a माइनस b इज इक्वल टू 0, 2a प्लस b इंटू 2a माइनस b इज इक्वल टू 0, ये हो गया। तो अब आपको क्या करना है कि इनके ना चार कॉम्बिनेशन बनाकर देखो। जब हमें नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने होते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग में, मैं क्या करता हूँ? एडिशन सब्ट्रैक्शन यही तो चलता है। तो चार कॉम्बिनेशन होंगे, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस, ये देखेंगे। तो मैंने इन दोनों को ले लिया। सबसे पहले मैं चेक करूंगा प्लस प्लस पर। तो प्लस प्लस का मतलब है कि 2a प्लस b ये भी प्लस का ले लिया, और 2a माइनस b ये भी प्लस का ले लिया। तो जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड हो गया, ये हो गया 2a प्लस b प्लस 2a माइनस b, माइनस b प्लस b कर दिया, तो रिजल्ट आ गया 4a। क्या हमारा रिजल्ट सही है? सही नहीं है, मुझे चाहिए माइनस का 4a, मुझे माइनस का 4a चाहिए। तो माइनस का 4a माइनस माइनस लेने पर आएगा। या फिर अगर आप ऐसे अंदाजा ना लगा पाएँ तो आप क्या करें, आप चारों ट्राई कर लो, किसी एक पर आपका काम बन जाएगा। तो मैंने क्या करा, प्लस प्लस लिया, दूसरा कॉम्बिनेशन मैंने ले लिया माइनस माइनस, माइनस माइनस पर चेक करते हैं, मतलब 2a प्लस b की माइनस का नंबर, माइनस का 2a प्लस b, और 2a माइनस b ये भी माइनस साइन के साथ लेंगे, माइनस का 2a माइनस b। उसके बाद हेलो, हाँ बताइए निपुण। नहीं सर, अभी तो क्लास चल रही है सर इनकी, अभी तो पढ़ा रहा था मैं। मैं फ्री होकर करता हूँ, आपको 10 बजे करता हूँ जी कॉल, है ना? बाय। माइनस 2a माइनस b, माइनस 2a माइनस माइनस प्लस b, प्लस b माइनस b कर दिया, माइनस 2a माइनस 2a कितना हो गया? माइनस 4a, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि यही मुझे चाहिए था, जिसका मतलब x स्क्वायर माइनस 2a प्लस b इंटू x माइनस 2a माइनस b इंटू x प्लस 2a प्लस b इंटू 2a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से, पहली और दूसरी टर्म में से आपने ले लिया x कॉमन, यहाँ क्या बचा x माइनस, कौन सा वाला? ये वाला हमने ये देखा कि माइनस 4ax है, तो ये किस तरीके से माइनस 4a मेरे को कैसे मिलेगा? ये 2a प्लस b को मैंने माइनस साइन के साथ ले लिया, और 2a माइनस b को भी मैंने माइनस साइन के साथ ले लिया। तो ये एक्सपेंड करके देखा, माइनस 2a माइनस b, माइनस 2a प्लस b, तो प्लस b माइनस b कट गया, और माइनस 2a माइनस 2a क्या आ गया? माइनस 4a, माइनस 2a माइनस 2a माइनस 2a आ गया, माइनस का 4a। तो इसका मतलब ये है कि माइनस 4a को किस तरह से स्प्लिट करा जा सकता है? माइनस 2a प्लस b इंटू x माइनस 2a माइनस b इंटू x, इस तरह से स्प्लिट करा जा सकता है, ठीक। तो अब हमने क्या करा कि ये जो पहले दो टर्म्स हैं, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसमें से x ले लिया कॉमन, तो x माइनस 2a प्लस b, इधर है 2a माइनस b और इधर भी 2a माइनस b, तो 2a माइनस b कॉमन लेंगे लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि पहला टर्म मुझे x चाहिए ब्रैकेट में, ठीक है। तो इसलिए माइनस का 2a माइनस b कॉमन लेंगे, माइनस 2a माइनस b कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 2a प्लस b और इज इक्वल टू 0। बताइए क्लियर है? ठीक, अभी चलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला।
इधर है x माइनस टू ए प्लस बी, इधर भी x माइनस टू ए प्लस बी, इसको कॉमन ले लिया, तो x माइनस टू ए प्लस बी ये कॉमन आ गया, तो इधर क्या बचा x और इधर क्या बचा माइनस का टू ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, x माइनस टू ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, x माइनस टू ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, माइनस टू ए प्लस बी को उधर ले गए तो x इज इक्वल टू टू ए प्लस बी और x इज इक्वल टू टू ए माइनस बी, इसी तरह से फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाले में है 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x तो ट्रिक तो समझ में आ गई ना इसकी, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 चार की जगह 3 दिया होता तो रूट ले जाते क्या जी, अगर चार की जगह 3 दिया होता तो रूट ले जाते, चार की जगह 3 अच्छा यहाँ पर ए में, अच्छा ए में अगर 4 की जगह 3 तो नहीं, फिर कुछ और करते हैं, फिर कुछ और करते हैं, यहाँ पर जनरली जो हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है वो ऐसा मिलेगा कि हमारा ए प्लस बी टू ए माइनस बी लगी जाएगा उसमें, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है इसमें भी लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैसे इसको क्या बोलूंगा ए स्क्वायर का स्क्वायर और इसको बोलूंगा बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब जरा देखिएगा इसमें आप क्या करें, इसमें भी फिर इसी को x वाले टर्म को स्प्लिट करना होता है, ठीक। तो a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया। अब क्या करना होगा, अब देखिएगा, अब यहाँ पर फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन वही देखने होंगे कि प्लस प्लस देखो माइनस माइनस देखो प्लस माइनस देखो माइनस प्लस देखो, तो चार कॉम्बिनेशन अलग अलग चेक करने होंगे तो लेकिन एक चीज़ और है कि जब चेक करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है ना 4 ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ नहीं था, कुछ नहीं था मतलब 1 था, तो वो 1 उधर मल्टीप्लाई हो गया, 1 का तो मल्टीप्लाई होना ना होना पता भी नहीं चलता, तो 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 4 कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, ए 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया ना भाई, ये पूरा का पूरा टर्म है, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 4 को, तो 4 को मैंने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, 2 और 2 कर दिया, ठीक, क्योंकि आ रहा है दिमाग में ऐसा कि अगर इनको दोनों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर इनको प्लस प्लस रखकर ऐड कर देता हूँ तो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। तो ये दिमाग में आ रहा था कि वो मेरे पास ए स्क्वायर वाला टर्म ऐसे मिल जाएगा, तो मैं क्या करूँगा 4 इधर इसमें मल्टीप्लाई हो ही रहा है, इसके साथ माइनस ले लिया इसके साथ माइनस ले लिया, क्योंकि मुझे माइनस 4a स्क्वायर चाहिए और मिल जाएगा, देखो कैसे एक्सपेंड करेंगे तो ये हो गया माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर
माइनस टू ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का टू बी स्क्वायर, प्लस टू बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस टू ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर क्या हो गया माइनस फोर ए स्क्वायर। तो ये जो आपको करके देखना है ना कॉम्बिनेशन, ये आपको देखना है रफ में, ये रफ में आप ट्राई करना, मेन में फेयर में करने की जरूरत नहीं है। तो अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे लेना है माइनस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस फोर ए स्क्वायर के फैक्टर्स हैं, आ रहा है ना माइनस फोर ए स्क्वायर सॉल्व करके, ठीक है समझ गए कि नहीं सोमिल, क्लियर है बताओ। यस सर। ठीक है आगे चलता हूँ फिर मैं। अब आगे देखिएगा, ये है फोर एक्स स्क्वायर और ये जो माइनस फोर ए स्क्वायर एक्स है उसकी जगह ये और ये दो फैक्टर्स रख लेंगे। तो क्या है माइनस का टू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन टू एक्स, माइनस का टू ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन टू एक्स, ठीक है ये हो गया। और लास्ट वाला टर्म एज किस लिखेंगे, तो ये मिटा दूँ नीचे से, ये तीनों ये मिटा दूँ। चलिए इसके बाद क्या है अगला टर्म, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो ये हो गया। अब देखिए पहले और दूसरे टर्म में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, टू एक्स और एक्स, तो यहाँ से ले लो टू एक्स कॉमन, टू एक्स आ गया कॉमन, इधर ब्रैकेट में क्या बचा टू एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर बाकी के दोनों ब्रैकेट्स में से कुछ ऐसा कॉमन लेना है, ये पहला टर्म टू एक्स बचे तो सही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विद माइनस साइन कॉमन ले लो तो प्लस का टू एक्स आ जाएगा, जो यहाँ पर भी पहला टर्म है, माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में इधर क्या बचा टू एक्स, ठीक। अब माइनस कॉमन लिया है तो भाई माइनस आएगा अंदर, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू जीरो, ठीक। अब आपको दिख रहा है कि 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों ब्रैकेट में ही है, तो एक ब्रैकेट कॉमन निकाल दो, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर is equal to 0 or 2x minus a square minus b square is equal to 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई a square plus b square upon 2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई a square minus b square upon 2, ठीक है। तो ये x की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। चलिए जी इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया।